So continue with environmental importance of forest. फॉरेस्ट का एनवायरमेंटल कितना इम्पॉर्टेंस है वो हम देखेंगे. द एनवायरमेंटल इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज एज फॉलोस. फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग रेन. फॉरेस्ट की वजह से ही जो है बारिश आता है. बारिश लाने में फॉरेस्ट का बड़ा हाथ है. दे कंट्रोल्स द एटमोसफियर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स. एटमोसफियर को ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ख़राब होने से बचाते हैं. दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन. और जितना ज़रूरी ऑक्सीजन है वो सारा फॉरेस्ट से ही हमें मिलता है. फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड्स. जब फ्लड्स आते हैं, रेल आती है, तब फॉरेस्ट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. दे अब्सॉर्ब हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, वो ये फॉरेस्ट जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ज़मीन की जो भी इरोजन होती है, जो भी उसके अंदर बदलाव आते हैं, तब जो है फॉरेस्ट उसे प्रिवेंट करते हैं. फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखते हैं. फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट द एडवांसिंग डेजर्ट. एडवांसिंग डेजर्ट यानी कि डेजर्ट जो है रण प्रदेश को आगे बढ़ने से रोकते हैं. फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन. हवा का जो भी प्रदूषण है उसे साफ करने में फॉरेस्ट बहुत यूजफुल होता है. फॉरेस्ट इन्हेंस द नेचुरल ब्यूटी. एक नेचुरल ब्यूटी का जो लुक होता है वो भी फॉरेस्ट से आता है. फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर. हवा को नेचुरली क्लीन करते हैं. फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेसेस फॉर एडवेंचरस टूरिज्म एक्टिविटीज. टूरिज्म का जो पूरा बिजनेस है वो फॉरेस्टिकल और हिली स्टेशन पर ही डिपेंड होता है. और एडवेंचरस जो होते हैं उन्हें फॉरेस्ट बहुत उनके लिए आइडियल प्लेस होती है. नाउ लास्ट पॉइंट. सम फॉरेस्ट आर रिजर्व विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड बायोडाइवर्सिटी. तो फॉरेस्ट के कुछ हिस्से जो होते हैं वो रिसर्च के लिए, मेडिसिनल लाइन के लिए, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं और सेंचुरीज बनाए